हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 1 से 15 जुलाई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिश्ते को लेकर आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। अगर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप आपके पार्टनर की राशि की वीडियो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 से 15 जुलाई तक आपके पार्टनर की और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उससे पहले हम करंट सिचुएशन देखेंगे, अभी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ओके, आपकी करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है सिंह राशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स सॉरी आपके फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सी कंफ्यूज है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको लग रहा है कि चीज़ें तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो है पर्सन ये आपसे क्या चाहता है, क्या सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अभी की करेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक आपने अपने दिल की बात आपके पार्टनर से कही भी नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं आपके पार्टनर से। आप दोनों में एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और आप दोनों का रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप एक दूसरे के पास भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। दूरियाँ इट मीन्स कि बहुत ईजी टॉक नहीं है आप दोनों में। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी तक क्लियर नहीं है कुछ भी। मतलब अगर मैं लव लाइफ देख रही हूँ और उसमें ऐसा ना हो कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, प्यार है, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर अभी आपकी शुरुआत भी नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो कि हम कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपके दिमाग में सिर्फ वो ही चीज़ें चल रही है। आप थोड़ा ट्रेडिशनल हो सकते हैं, थोड़ा रूल्स को फॉलो करते हुए चलने वाले इंसान हो सकते हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो मैं सबसे पहले कहूँगी कि स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अच्छी अफर्मेशन देने वाले अच्छे हीलर हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। उनका अट्रैक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो किसी को भी अपनी बातों से जीत सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से, और शायद उनका रास्ता कुछ और है, शायद उनकी लाइन जो है, उनकी जो लाइफ है वो बहुत स्पिरिचुअल है। कहीं ना कहीं इसलिए ये मैटर कर रहा है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जर्नी कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। देखिए टू नंबर जो है वो टू नंबर मुझे यहाँ दिखाता है कि यस आप खुद समझ नहीं पा रहे ना, आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो अभी तक वो बातें शेयर करना या बात करना वो सब मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कनेक्शन जो है वो आगे हम देखेंगे कि 1 से 15 के बीच में कैसा रहता है। 1 से 15 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, कुछ तो कहने वाले हैं आप आपके पार्टनर से। सिंह राशि, आपके पार्टनर आपसे क्या कहने वाले हैं, क्या फीलिंग्स उनकी रहने वाली है। ओके, दोनों कार्ड अपने आप आए हैं। आपकी फीलिंग सिंह राशि आपके पार्टनर के लिए कैसी रहेगी। आप मन ही मन बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मन ही मन आपके इमोशंस भी उस पर्सन के साथ है, बहुत ज्यादा कनेक्शन आप फील भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कहना चाहिए,
कुछ बात नहीं होनी चाहिए जब तक मेरा पर्सन मुझे आकर ना कहे, जब तक वो अपना कप मुझे ना दे, जब तक वो अपने इमोशंस, अपना प्यार मुझे ना दे, जब तक वो मुझसे बात ना करे इस टॉपिक पे, तब तक आप उन्हें अपने अपना कमिटमेंट नहीं देना चाहते। कमिटमेंट छोड़ो, प्रपोज भी नहीं करना चाहते आप। आप सिर्फ आपके जो पार्टनर हैं और आप 1-15 जुलाई के बीच में आप दोनों मिल सकते हैं, आप दोनों के बीच में बात हो सकती है, इन्जॉय कर सकते हैं, कुछ भी आप हो सकता है कि आप दोनों सोशली आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं या फ्रेंड्स का ग्रुप है आपका, कुछ भी हो सकता है। सो उसमें आप सब पार्टी कर सकते हैं, मिल सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आप दोनों के बीच की बात होने की, तो वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आप सुनाए सुने, और इधर आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो इमोशंस उनके मन में नहीं है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे उनका फोकस पूरी तरह से हो सकता है। तो 1-15 जुलाई के बीच में मैं यह देख पा रही हूँ कि कोई कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई इमोशंस आपको नज़र आते भी हैं, तो भी आप अपनी बात को शेयर नहीं करने वाले। आप बहुत स्ट्रांग हेड वाले पर्सन हो, लाइक बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना, और चाहे अकेले रह जाना लेकिन किसी को अपने इमोशंस के साथ खेलने नहीं देना। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिस जो रीज़न है कि आप कुछ बात नहीं करने वाले हैं। आप दोनों की बात नॉर्मल बात हो सकती है लेकिन और किसी भी रिलेटेड कोई बात नहीं हो पाएगी। और कुछ लोगों के लिए जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उनके लिए मिलना हो सकता है एक दूसरे से। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर मदर फिगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, कि हो सकता है आप दोनों में से किसी की मॉम हो सकती है जो भी आपको रोक रही है कि आप ऐसा मत करो। सो वो रीज़न भी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। सिंह राशि, आपके जो पार्टनर है इस बीच 1-15 के बीच में कोई अपना कोई गोल अचीव कर सकते हैं, कुछ उनको ऐसा अचीवमेंट मिल सकता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहें। चलिए ओवरऑल देख लेते हैं 1-15 जुलाई के बीच में क्या होने वाला है। ओवरऑल 1-15 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओवरऑल 1-15 जुलाई के बीच में आपकी राशि कैसी रहने वाली है, आपकी लाइफ। ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों में से एक पार्टनर मैरिड हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए एक पर्सन मैरिड हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को छोड़ कर आपके पास नहीं आना चाहता। चलिए अब हम फिर से सिंगल पे आ जाते हैं। तो अगर आप दोनों सिंगल हैं, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जैसा मैंने पहले बोला कि आपकी कोई, आप दोनों में से किसी की माँ हो सकती है जो कि रेडी ना हो इस रिश्ते के लिए। सो फैमिली को लेकर ही या अपने अलग अलग रिलीजन को लेकर ही आप दोनों एक दूसरे से ऑटोमेटिकली दूरियाँ बनाते हुए नज़र आ रहे हो। यह किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है। सो कुछ दूरियां मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है ओवरऑल। और वो जो दूरियां होंगी, वो उसका रीज़न जो है मेनली यही रहेगा कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करना चाहते हैं और वो आपके पर्सन या आप दोनों में से एक फॉलो करना चाहते हैं और दूसरा समझा रहा है कि भाई मत करो, ये ज़िंदगी है, जी लो अच्छे से। सो दोनों ही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो ये रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए, जिसकी वजह से आप आगे इस बात को ना बढ़ाना चाहें। कुछ मैच्योरिटी से लिए हुए डिसीजंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, फिर आप अपनी लाइफ पे फोकस करने लगोगे। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करने लगोगे। मुझे यहाँ आपका रिश्ता बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ओवरऑल, मैं यही कहूँगी। अब 15 जुलाई तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आगे का हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। चलिए देखते हैं इस रिश्ते के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है।
ट्रिकरी और रिजेक्शन दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही आपके साथ गेम खेल रहा है या आपको गलत प्रूव करने पे लगा है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा करने से अगर सामने वाले से रिप्लाई मिल सकता है तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप शायद एक्स्ट्रा उन्हें कहेंगे कि बटर लगा रहे हो कि भाई तुम मान जाओ ऐसा कर लो, तो वो रीज़न हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिले। सो थोड़ा सा मिस्टीरियस बने रहें, मत अपनी बात शेयर करें। जब चीज़ें ठीक होनी होती है, जब हमें मिलना होता है लाइफ में, तब अपने आप मिल जाता है। आप अपनी खुशियों पे फोकस करें, अपनी लाइफ में इंजॉय करें और बहुत ज़्यादा ना सोचें इस बारे में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना सोचें इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा ना सोचें। जो लाइफ में मिल रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चूज़ करें। आप देखेंगे कि आपका जो मन का जो डर है, आपके मन का जो कॉन्फिडेंस है वो बना हुआ है। डर तो निकल गया है और कॉन्फिडेंस बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की बातों में बहुत जल्दी से आ जाते हो, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। बहुत जल्दी किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करोगे वो ही मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके साथ कोई गेम प्लान कर रहा है। सो वो मत करें, मिस्टीरियस रहे। बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात किसी से शेयर ना करें। लोगों से जाने कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन अगर बात आपके शेयर करने की हो तो थोड़ा सा चुप करके बैठें, बहुत ज़्यादा अपनी बातों का ना कहें। भगवान ने आपको बहुत कुछ बहुत अच्छा दिया है, तो जो दिया है, जो आपकी प्लेट में है, आप उस पर फोकस करो। अगर आपका फोकस चेंज होगा, आप कहीं और ध्यान देंगे तो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। तो कोशिश करें कि अपने ऊपर फोकस करें, लाइफ में जो मिला है उसका थैंक्स करें, ग्रेटिट्यूड दें और आगे बढ़ें। तो सिंह राशि आपके लिए रीडिंग थी और ये गाइडेंस थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।